analyze the situations in a few words. Does it harm the future of Indian esports? So it might not exactly harm the future, क्योंकि यू नो ये चीज है, कॉन्ट्रोवर्सीज पहले भी बहुत बार हुई हैं, पहले भी बहुत बार ऐसे बड़े बड़े लेवल पर हुई हैं, बहुत बार लोगों को बुला करके ये बोला गया, वो बोला गया, ऐसे किया तो वैसे किया, ये किया वो किया, आई गेट इट, हर बार होता है, हर बार होता है, इससे कॉन्ट्रोवर्सीज चलती हैं। बट एट दी एंड ना इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ईस्पोर्ट्स फैन पिसता है, ईस्पोर्ट्स फैन पिस रहा होता है, ईस्पोर्ट्स फैन इस तरीके से पिस रहा होता है कि यार मैंने देखो कोई भी आदमी ईस्पोर्ट्स में, तो क्या लाइफ में भी कोई भी आदमी 100% सही इंसान तो नहीं होता, किसी ने कुछ गलत किया, किसी ने कुछ गलत किया। पर्सनल ग्रजेस और ईस्पोर्ट्स कॉम्पिटिटिवनेस को मिला नहीं सकते तुम लोग। पर्सनल ग्रजेस माइट बी डिफरेंट, ईस्पोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस इज डिफरेंट, तुम लोग उन दोनों चीजों को मिला नहीं सकते, राइट? तुम लोग जब इन दोनों चीजों को मिलाओगे तो रायता फैलेगा, और वो रायता फैल रहा है। एंड इस सब में ना, इस रायते में एक इंडिविजुअल ईस्पोर्ट्स फैन फेल हो जाता है फॉर टू थ्री थिंग्स, कि मैंने तो यार इस आदमी को इतना सपोर्ट किया, नो डाउट उस आदमी ने अच्छा भी किया या खराब भी किया, दोनों साइड्स की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन इस आदमी ने ये गलत किया, मैंने उसको सपोर्ट किया उसने ये गलत किया, मैंने उसको सपोर्ट किया उसने ये गलत किया। इस सब में ना एक इंडिविजुअल ईस्पोर्ट्स फैन अपनी मैच्योरिटी से वो डिसीजन नहीं ले पाता कि हम जिसको कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं। एंड ऐसे में ना फिर एक फैन एक हेटर बन सकता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। Do you think esports relationship should be professional rather than personal? 110% esports professional, काम को काम के जितना रखो, काम को काम के आगे कभी भी personal मत लेकर के आओ। ये चीज पता चल गई, क्योंकि वो personal चीजें तुम्हारे against use हो सकती हैं। That's esports now.